पिछले कई दिनों से पूरा देश कोलकाता के उस ट्रेनिंग डॉक्टर के मौत से उबर नहीं पा रहा है और उबरना भी नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से कहा था कि जब लगातार या फिर महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति वाले व्यक्ति की सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आता, कोने में कहीं पड़ा रहता है। जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है, लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती है, कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है, और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। नमस्कार, मैं राजीव सिंह, क्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। जब तक देश में हर घर में अपराध और अपराधियों को लेकर चर्चा नहीं होगी, सरकारें हों या प्रशासन, होश में नहीं आएगी। और इसी चर्चा के बीच एक और बात हर किसी की जुबान पर है कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। इसे लेकर दिल्ली में हलचल है, क्योंकि बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस फिलहाल दिल्ली में है, जहां उन्होंने कोलकाता कांड की जानकारी राष्ट्रपति को दी है। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा है कि बंगाल में लोकतंत्र नहीं है, ममता बनर्जी की सरकार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी है, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं निभाई, उन्हें पद से इस्तीफा देना चाहिए, साथ ही पुलिस कमिश्नर को भी तुरंत हटाया जाना चाहिए। घटनाओं के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस पूरे मामले पर कहा है कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है और बंगाल पुलिस का अपराधिकरण हो गया है। राज्यपाल कहते हैं कि हजारों की संख्या में दंगाई अस्पताल में घुस आए थे, लेकिन बंगाल सरकार कुछ नहीं कर सकी। उन्होंने बंगाल सरकार के काम में दखल देने के आरोप पर कहा कि मैं सिर्फ अपना काम करता हूं। इस घटना के सामने आने के बाद मैंने कई बार मुख्यमंत्री को कार्रवाई के लिए कहा था, लेकिन सीएम ने कोई कार्रवाई नहीं की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने कहा कि मैं किसी एक का एजेंट नहीं, बस संविधान के दायरे में अपना काम करता हूं। राज्य में डॉक्टरों का सम्मान नहीं किया गया, बंगाल में कौन सुरक्षित है, मुझे बंगाल के लोगों की चिंता है। जनता सीएम के खिलाफ सड़कों पर निकल आई है, यहाँ हिंसा और भ्रष्टाचार है। राज्यपाल बोस ने कहा, ये राज्यपाल और मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है, मैंने राज्य की मौजूदा स्थिति को लेकर बार बार सीएम से बात की थी, मैं सरकार से जो भी रिपोर्ट मांगता था नहीं दी जाती थी, अब तक 30 रिपोर्ट मांग चुका हूँ, लेकिन सिर्फ एक ही रिपोर्ट मुझे दी गई है। ये तो रही पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की बातें, लेकिन इससे हटकर हम अगर देखें तो ट्रेनिंग डॉक्टर की जिस तरह से रेप और हत्या हुई, उसके बाद जो भी मीडिया में राज्य सरकार को लेकर, कोलकाता पुलिस को लेकर, वहां का प्रशासन को लेकर राज खुले, अधिकारियों द्वारा अपनी ड्यूटी को भी ईमानदारी से नहीं निभा पाने के जो आरोप लगे, उसमें क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लगना चाहिए? अगर ये आरोप लगे कि आर जीकर मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल लाशों को भेजता था, अगर उसी कॉलेज का पूर्व अधीक्षक ये आरोप लगाए कि कॉलेज का प्रिंसिपल संदीप घोष बांग्लादेश में बायोमेडिकल अवशिष्ट और मेडिकल उपकरणों की तस्करी में लगा हुआ था, तो क्या राष्ट्रपति शासन नहीं लगने चाहिए? और चलिए अगर आप ये भी मान लें कि एक दो घटनाओं से राष्ट्रपति शासन की बात नहीं कही जा सकती, नहीं की जा सकती, क्योंकि मणिपुर हो या हाथरस, अयोध्या हो या कन्नौज, बल्लापुर हो या अकोला, इस तरह की घटनाएं देश की नियति बन चुकी हैं। बच्चियां और महिलाएं हमारे देश में अभिशप्त हैं ये सब झेलने के लिए, तो एक बार इस बात पर ही विचार कर लेते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता सरकार का शासन कैसे चल रहा है और क्यों नहीं वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। बात हिंसा की कर दें तो बंगाल का इतिहास हमेशा से ही रक्तरंजित रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक बात तो सबने महसूस की है कि चुनाव के पहले हो, चुनाव के दरमियान हो या फिर चुनाव के बाद हो, हिंसा को लेकर ममता सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। याद कीजिए, अभी हाल ही में भारत के 28 राज्यों और 8 केंद्रशासित प्रदेशों में लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, इसके साथ साथ 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी संपन्न हुए, लेकिन पश्चिम बंगाल को छोड़कर कहीं भी राजनीतिक हिंसा की कोई घटना नहीं हुई। पश्चिम बंगाल यही एकमात्र ऐसा राज्य है जो चुनाव के बाद हिंसा की चपेट में रहा, वहां की भयावह स्थिति को कोलकाता उच्च न्यायालय ने भी
गंभीरता से लिया था और बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती 21 जून तक बढ़ा दी थी। याद कीजिए बंगाल के संदेशखाली की घटना को। बंगाल में अत्ताई इतने ताकतवर दिखे थे कि केंद्रीय एजेंसी ईडी के अधिकारियों पर भी हमले से बाज नहीं आए। केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सत्र न्यायालय को जो चार्जशीट सौंपा था उसमें साफ दावा किया गया था कि घर में रखे भारी संख्या में हथियारों व विस्फोटकों को छिपाने के लिए ईडी अधिकारियों पर हमला किया गया। याद कीजिए 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की नवीं बैठक किस तरह से ममता बनर्जी मीटिंग को बीच में छोड़कर बाहर निकले। पश्चिम बंगाल में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर कथित टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से हमला किया था वो भी भूला नहीं है। इस हमले में पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय समेत कई नेता घायल हुए थे। याद कीजिए देश से चर्चित पीएम मोदी शपथ ले रहे थे, उधर ममता ने अपनी सभी लाइटें बंद कर दी थी और पूरे समारोह के दौरान अंधेरे में बैठी थी। याद कीजिए कि किस तरह से ममता बनर्जी कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को बचाने के लिए सड़क पर उतर आई थी, या तो यह कहें कि एक कमिश्नर को बचाने के लिए एक मुख्यमंत्री ने सारे प्रोटोकॉल तोड़ दिए थे। पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार जिले में एक महिला के कपड़े उतार कर कैसे सरेआम पिटाई किया जाता है, ऐसे कई मामले हैं जो बताने के लिए काफी हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से कानून व्यवस्था की स्थिति दयनीय हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात कि इन सब घटनाओं का मैसेज अन्य राज्यों को गलत जा रहा है। कर्नाटक का एक नेता जब ये कहता है कि राज्यपाल का वही हश्र होगा जो शेख हसीना का हुआ तो ये चिंता में डाल देता है, और ये कांग्रेस नेता थे जिन्होंने इस तरह के बयान दिए थे। एक आम पब्लिक के तौर पर जब आपने ममता को वोट किया था तो क्या कभी भी ऐसा लगा था कि आप कोई ऐसी सरकार चुन रहे हैं जिसके राज्य में किसी महिला डॉक्टर की इस बर्बरता से रेप और हत्या हो, और सरकार और पुलिस प्रशासन उस बर्बर हत्या के पक्ष में खड़े होकर अपराधी का बचाव करेंगे। लेकिन कोलकाता में ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा और उसकी भी नींद 11 दिनों बाद उठी। हम खुश हो गए कि कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कभी कभी लगता है कि हम धीरे धीरे इन चीजों को सहने की आदत डाल रहे हैं। खैर हम अपने विषय पर लौटते हैं, तो जिस तरह से ट्रेनी महिला डॉक्टर की हत्या हुई, जिस तरह से बंगाल में ममता सरकार कई मोर्चों पर निरंकुशता को अंजाम देती दिखी, तो ओवरऑल आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या जनता नहीं चाहती कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगे? या अगर मोदी सरकार को अभी तक ऐसा नहीं लगा कि वहां राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए तो मोदी सरकार बताए कि आखिर ऐसा क्या हो कि उसे बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए उचित कारण दिखे। अब सवाल उठता है कि राष्ट्रपति शासन में होता क्या है? राष्ट्रपति शासन में राज्य सरकार को निलंबित कर दिया जाता है और केंद्र सरकार का नुमाइंदा बनकर राज्यपाल राज्य का शासन संभालता है। उस राज्य में शासन प्रशासन से संबंधित सारे कार्य राज्यपाल के नाम से होने लगते हैं, और यह राष्ट्रपति शासन संविधान के आर्टिकल 156 के तहत तब लगाया जा सकता है जब राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति को लगता है कि राज्य सरकार संविधान के मुताबिक सरकार नहीं चला पा रही है अथवा संविधान की मूल भावना की अनदेखी कर रही है, तो राष्ट्रपति अपनी ताकत का इस्तेमाल कर वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। लेकिन इसके लिए पहले कैबिनेट की मंजूरी लेनी होती है और उसके बाद ही उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है। लेकिन राष्ट्रपति शासन के 2 महीने के अंदर संसद दोनों सदनों द्वारा इसकी मंजूरी जरूरी होती है। केंद्र के पास अधिकतम 6 महीने तक किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार होता है। अगर इसे 6 महीने से आगे बढ़ाना है तो दोनों सदन यानी कि लोकसभा व राज्यसभा की मंजूरी जरूरी होती है, और इसके बाद सरकार चाहे तो इसे हर 6 महीने बाद संसद से मंजूरी लेकर आगे बढ़ा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि पश्चिम बंगाल में अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो सबसे पहले राज्य मंदिर पसंद को भंग कर दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य की पूरी पावर राष्ट्रपति के पास आ जाएगी, यानी राज्य की प्रशासनिक ताकत खत्म हो जाएगी। इसके बाद राष्ट्रपति के आदेश पर राज्यपाल राज्य के मुख्य सचिव और अन्य सलाहकारों की मदद से कामकाज देखना शुरू कर देंगे। राष्ट्रपति अगर चाहे तो राज्य विधानसभा को भंग करके उसकी ताकत संसद को सौंप सकता है, यानी इन हालातों में संसद ही राज्य से जुड़े अहम कानून बनाने और बजट पेश करने को जैसे मसलों पर काम करेगी। इस पूरी खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या बंगाल में ऐसे हालात उपस्थित हो गए कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए क्लिक इंडिया के साथ, मुझे इजाज़त। शुक्रिया।